तो दोस्तों आप सबने ना भैया बर्गर तो बहुत सारे अभी तक खा लिए होंगे, तो मुझे लगा कि भैया एक शेफ होने के नाते मेरा फ़र्ज है आपको कुछ और आसान तरीके से बर्गर बना के बताऊं। तो हेलो गाइस, मैं शेफ मोहसिन कुरैशी आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज ना आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया देसी स्टाइल का कीमा बन बर्गर लाया हूँ। और ये जो कीमा बन बर्गर है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत आसानी से आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए इस बर्गर को कैसे बनाना है शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना जो देसी स्टाइल है कीमा बन बर्गर को बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे कीमा। कीमा बनाने के लिए हम डालेंगे देसी घी और फिर हम डालेंगे चॉप प्याज। ये देखिए, ये हमने डाल दिया चॉप प्याज और हमें इस तरह से सौते कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप। बस थोड़ा सौते करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे जल्दी से कीमा। हमने चिकन का लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं। ये हमने डाल दिया कीमा और फिर हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। कीमा हमें सूखा बनाना है, पानी वाला नहीं बनाना है, तभी हमारा बर्गर तैयार हो पाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हमें इस तरह से चलाते रहना है। अब इसके बाद में हमें जो डालना है वो डालना है पीली मिर्च, नमक, कुटा हुआ मिर्च, थोड़ा ब्लैक पेपर क्रश करके डालना है हमें और थोड़ा सा लाल मिर्च और फिर हमें डालना है थोड़ा चॉप गार्लिक। ये डालने के बाद में हमें इस तरह से अपने कीमे को सौते कर लेना है। सौते करने के बाद में हम इसे बाउल के अंदर निकालेंगे। इतना सौते करना है कि इसका पानी ख़त्म हो जाए और कीमा हमारा बढ़िया तरीके से गल जाए। तो चलिए अब हम इसे पकने के लिए छोड़ते हैं और पानी को जलाते हैं। चिकन है, ज़्यादा समय नहीं लेगा, ऑलरेडी ये कीमा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा हरा धनिया, और फिर हरा प्याज, तो ये देख सकते हैं आप इसका पानी लगभग खत्म हो गया है और ये हमारा कीमा गल चुका है। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं अपना दूसरा प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों अब हम इस कीमे को अपने एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम निकालते हैं अपना कीमा और शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों अब हमें जो दूसरा प्रोसेस करना है वो ये करना है, हमें बनाना है एक पेस्ट, दरदरा पेस्ट बनाना है, जिसके लिए हमने डाल दिया इसके अंदर हरी मिर्च,
थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा लहसुन, और इसे हमें कर लेना है क्रश। तो ये देखिए, इस तरह से हमें क्रश कर देना है। आप इसको सिलबट्टे पर भी कर सकते हैं, इमाम दस्ते में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, बस दरदरा पेस्ट बनाइएगा, और मिक्सी में भी कर सकते हैं। मेरे पास ये रखा हुआ है तो मैं इससे कर रहा हूँ। तो ये इसको इस तरह से हमें कर देना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा दरदरा पेस्ट लगभग तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चौथा पक। तो दोस्तों, अब हमें म्यूनिस लेना है। म्यूनिस के साथ में हमें थोड़ा डालना है स्वीट चिली सॉस, और फिर थोड़ा केचप। अब हमें उसके बाद में इसके अंदर डालना है थोड़ा ब्लैक पेपर, छोटा मिर्च, थोड़ा सा गार्लिक, और फिर थोड़ा सा मिक्स कर देना। अब हम शुरू करते हैं इसे असेंबल करने की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं बन। उसके बाद में हमें बन को इस तरह से काट लेना है, और फिर हम इसको बटर के साथ रोस्ट करते हैं। आ जाइए। रोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा इसको रोस्ट करिएगा भाई, देसी स्टाइल है तभी मज़ा आना है। चलिए दोस्तों, ये अब हमारा लगभग रोस्ट हो गया है, अब हम इसे असेंबल करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा बन, और उसके बाद में हमें डालना है ये जो हमने क्रश वाला पेस्ट बनाया था, ये रखना है। थोड़ा सा तीखा पेस्ट है, मज़ा आ जाएगा दोनों साइड। लगाइएगा इस पेस्ट को, और फिर हमें लगाना है, खीरा लगाना है, और टमाटर लगाना है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा लोलो रोसो लेट्यूस, और फिर हमें लगाना है चीज़ का स्लाइस। फिर हम डालेंगे
कीमा, कीमे को इसमें भी डाल सकते हैं और कीमे को आप साइड में भी रख सकते हैं, सॉल्ट डिपेंड ऑन यू। और फिर हम डालेंगे हमारा पेस्ट, ये आपके ऊपर है, आप थोड़ा तीखा ही खाना चाहते हैं या स्वीट खाना चाहते हैं। फिर हम डालेंगे थोड़ा अनार और कुटा मिर्च, थोड़ा सा हरा प्याज और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। और फिर ये हमारा बर्गर तैयार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो कीमा बन बर्गर है आपको बढ़िया लगा होगा, बहुत ही देसी स्टाइल से और बहुत आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत मुश्किल से नहीं मिलते हैं आपके किचन में भैया, अवेलेबल होते हैं। तो चलिए ये जो रेसिपी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा भैया वो भी लोगों के साथ शेयर कर लें, और मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, और मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है chef_mohsin उसको प्लीज़ फॉलो करिए। और फिर से अगली बार नई रेसिपी के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।